A very warm welcome, dear friends. Welcome back to Economics Preparation YouTube channel. Schemes of Government of India के part 1 वीडियो के बाद part 2 वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ, और आप यकीन मानिए कि इस part में पिछले से भी ज़्यादा important schemes मैंने cover की हैं, और आखिरी तक देखने के बाद ही आप इस बात को यकीन करेंगे. तो बिना इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स मैंने कवर की हैं. स्कीम्स को याद करने का तरीका पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, वही पॉवर्टी रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, यही सब स्कीम्स एग्ज़ाम में कवर की जाती हैं. तो हम भी वही स्कीम्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आती है, और जनरली उनका लॉन्च ईयर या डेट वगैरह, और किस मंत्रालय द्वारा वो चल रही संचालित है, ये क्वेश्चन भी आपका आता है. तो ये बात ध्यान में रखेंगे कोई भी स्कीम्स पढ़ते समय. प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी. 15 अगस्त जब प्रधानमंत्री जी पहली बार रेड फोर्ट से घोषणा कर दी थी उन्होंने इस योजना की, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एकदम उनकी जो पहली स्कीम्स में से है ये तब की है, और उसके बाद 28 अगस्त को इसको रोल कर दिया गया था पूरे इंडिया में. 28 अगस्त 2014 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये रन की जाती है, और इसके देखिए लीजिए ये 46.25 करोड़ बेनिफिशियरीज़ हैं. इस जिस दिन ये स्कीम लॉन्च की गई थी उसी दिन इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, इतने ज़्यादा अकाउंट एक दिन में ओपन किए गए थे, करोड़ों में अकाउंट ओपन किए गए थे. अभी तक इसमें 46.25 करोड़ बेनिफिशियरीज़ हैं, और 1,73,000 करोड़ का बैलेंस है, रुपए हैं इन अकाउंट्स में. ठीक, ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका लॉन्च ईयर आप देख लीजिए, 28 अगस्त 2014 की स्कीम है, और ये डेटा मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना .gov.in से ही उठाया है. आप भी देख सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए. इस स्कीम्स की कुछ की फीचर्स देख लेते हैं. तो इस अकाउंट के तहत जो अकाउंट खोला जाता है जनधन अकाउंट, उसका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है. कोई अनिवार्यता नहीं होती कि उसमें 1,000-2,000 अकाउंट आपको रखना ही रखना है. यूनिवर्सल एक्सेस है, और लाइफ इंश्योरेंस इसमें 30,000 रुपये का मिल जाता है. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1,00,000 का कवर हो जाता है. पेंशन ट्रांसफ़र जो होते हैं लोगों के, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अटल पेंशन योजना यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सब इस अकाउंट के तहत हो जाएगा. ठीक, तो अब यहाँ से एक और जैसे आ गया कि अब पेंशन ट्रांसफ़र में अटल पेंशन योजना है, तो आपको पता होना चाहिए अटल पेंशन योजना कौन सी है और कब लॉन्च की गई थी. इस तरह से आप याद करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हैं. इस स्कीम का मेन मोटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन के पर्पज़ से ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि जो आम नागरिक हैं जो अभी तक फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ाने के लिए अकाउंट्स के जो बेनिफिट्स होते हैं बैंक अकाउंट रखने के, वो जो जिन्होंने नहीं प्राप्त कर पाए थे उन बेनिफिट्स को देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी. इसके बाद किसान विकास पात्रा है 2014, फिनमिन यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ही है, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन है 2014, तो गोकुल मिशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड है. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 22 जनवरी 2015, डेट देख लीजिए इसको, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी. ये करंट गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम भी है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम भी है, मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015. फाइनेंस मिनिस्ट्री फिनमिन यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी संचालित है. प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू ₹10,00,000 टू द नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज, नॉन कॉरपोरेट यानी कंपनियों को नहीं, नॉन फार्म यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड ना हो, जो भी स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको 10,00,000 रुपए तक का लोन इस मुद्रा योजना के तहत प्रोवाइड कराया जाता है. इसका फर्दर रीडिंग के लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना .org.in पे जाके पढ़ सकते हैं. और इस स्कीम का इसमें अगली साइड देख लेते हैं क्या कैटेगरी है. शिशु है, किशोर है, तरुण है. शिशु में अप टू 50,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, किशोर में अप टू 5,00,000 का, और तरुण में अप टू 10,00,000 का. ये क्वेश्चन आपका PGT में भी आया था, और इस वीडियो के अंत में मैंने क्वेश्चन भी डाल रखा है, उसको आप लोग देखिएगा और करिएगा. नेक्स्ट स्लाइड में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना है. ये तीनों स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा रन की जा रही हैं, और तीनों एक ही दिन में लॉन्च की गई थी 9 मई 2015. तो ये तीनों आप देख लीजिए, तीनों तो पहली बात तो ये इंश्योरेंस और ये आपका
पेंशन रिलेटेड स्कीम है, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभावी स्कीम है वो अटल पेंशन योजना है, 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है। इसमें आप कुछ मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट यानी 60 साल के बाद आपको कुछ पेंशन बंध जाती है, जैसा आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपको पेंशन मिलती रहती है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में ये एक्सीडेंटल संबंधित है, 18 से 70 साल के लोग इसको कर सकते हैं, और जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस संबंधित है। इन तीनों स्कीम्स की लॉन्च डेट आप देख लीजिए, 9 मई 2015 है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, और उसी के नीचे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अब इस तरह की स्कीम्स वैसे तो आप एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में या क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आप देखेंगे कि फसल बीमा योजना 2015 की है या कृषि सिंचाई योजना 2015 या 16 की है। तो इसको मैं जैसे मैंने आप सब लोग अपनी कुछ ना कुछ तरीका होता है याद करने का, मैंने इसको कैसे याद किया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है और फिर फसल बीमा योजना है। तो खेत में पहले आप जब बीज बोएंगे तो सिंचाई करेंगे, सिंचाई पहले होगी, सिंचाई के बाद फसल उगेगी और फिर उस फसल का बीमा होगा। तो 2015 में पहले स्कीम सरकार ने लाई थी सिंचाई योजना की, और उसके 1 साल बाद फसल बीमा योजना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 MeitY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा रन की जाती है ये डिजिटल इंडिया मिशन की स्कीम। स्किल इंडिया स्कीम 15 जुलाई 2015 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये भी 2015 की ही स्कीम है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ही ज़्यादा ये भी पॉपुलर स्कीम है भारत सरकार की, और इसमें 1 मई 2016 को बलिया डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया था, प्रधानमंत्री स्वयं किया था इस स्कीम का उद्घाटन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका कुछ डेटा इस तरह से, 24 करोड़ हाउस होल्ड हैं भारत में, तो 10 करोड़ अभी भी स्टिल डिप्राइव्ड हैं, यानी कि जो LPG सिलेंडर्स हैं उनके पास आज भी नहीं है, वो आज भी ट्रेडिशनल सोर्सेज जैसे कि काऊ डंग और फायरवुड और इन सब चीज़ों की ईंधन का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन पोल्यूशन भी होता है और उनका हेल्थ भी, महिलाओं का हेल्थ भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो इस स्कीम ने अभी तक जो इसकी अचीवमेंट है, 7 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन इस स्कीम ने दे रखे हैं। इसमें एक बार क्वेश्चन हमने कहीं देखा था कि कौन से मंत्रालय द्वारा यह संचालित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। पहल योजना इसी से संबंधित स्कीम है। पहल योजना क्या है, 2015 में यानी कि 2016 में आपका उज्ज्वला योजना था, तो उससे पहले 2015 में एक पहल योजना सरकार लाई थी। इसमें क्या था कि LPG सिलेंडर पर जो सब्सिडी सब लोगों को जो दी जाती थी, उसमें इसमें क्या था कि जो उस पर सब्सिडी जो दी जाती थी वो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिशियरी के डाला जाने लगा। और जब उज्ज्वला पढ़ेंगे तो पहल पढ़ लेंगे, और पहल पढ़ेंगे तो DBT पढ़ लेंगे। DBT क्या है, पहल का ही पुराना नाम है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG कंज्यूमर्स, पूरा नाम इसका ये है, जनरली इसको DBT ही बोलते हैं। और ये स्कीम को 1 जनवरी 2013 में लाई गई थी, और UPA गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम लाई गई थी, और ये एक वर्क्स ऑन गीरो सिस्टम, GIRO सिस्टम, RBI का सिस्टम है, जिसमें एक बैंक जो है दूसरे बैंक को पेमेंट करता है। जैसे ये सब्सिडी का केस था, तो सब्सिडी का केस बेनिफिशियरी के अकाउंट में जितना सब्सिडाइज्ड अमाउंट होता था वो डायरेक्ट चला जाता था। इससे जो लीकेज होती थी, जो सरकार का पैसा ब्लैक में जाता था, वो सब चीज़ों को कम किया गया। फॉर्मरली नोन एज DBT स्कीम, पहल स्कीम फॉर्मरली नोन एज DBT स्कीम। उसी का फिर एक मॉडिफाइड वर्जन आ गया, मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG कंज्यूमर्स। ये क्वेश्चन जो है UPPGT 2021 में आया था, जिसमें मैंने भी दिया था। लास्ट एग्ज़ाम जो अभी आपका होने वाला है, इससे पहले वाला एग्ज़ाम, मुद्रा स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन, ऐसे डेट के साथ कन्फ्यूज़ किया था उन्होंने, 8 जून 2015, 8 अप्रैल 2015, 12 जून 2016 और 12 अप्रैल 2016। कमेंट कर कर आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर इसका आंसर आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो पीछे से फिर से देख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कमेंट शेयर, फीडबैक देख सकते हैं, और अगर करेंट से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, एग्जाम इकोनॉमिक्स, अगर आपको PDF फॉर्म में पढ़ना हो, फिर से रिवाइज करना हो, या इसका नोट्स बनाना हो, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।